नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है प्रियंका ठाकुर फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं आ गई हूँ झाड़ू पोछा करके किचन में। ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज आलू के परांठे और चाय। तो गर्मा गर्म आलू के परांठे और क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम फूले फूले हैं, और गर्मा गर्म परांठे मिल जाए और चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो देखिए यहाँ पे चाय बन के तैयार है। अभी हम दोनों जा रहे थे पास के ही मंदिर में शिव जी के, इसको तो साइकिल लेके ही चलना होता है। मंदिर में जाते हैं तो अलग ही शांति सी महसूस होती है। तो आज लक्स भी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसकी एक दो दिन से उसकी फ्रेंड घर जा चुकी है, तो नीचे वाले क्वार्टर में दीदी थे वो घर चले गए, तो इसीलिए उनकी बेटी के साथ खेलता था। तो बहुत ज़्यादा सैड है, मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे भी। तो मैंने बोला चल पड़ मंदिर, अच्छा लगेगा तुझे। तो यहाँ पे मैं आ गई मंदिर से। यहाँ पे मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। लंच में बनेगा आज हरा साग, उसको मैंने सुबह ही छांट के साफ़ करके रख दिया था। अब इसको वॉश किया दो तीन पानी से अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है इसमें, खुले पानी से नहीं वॉश करे दो। तो इसको बारीक बारीक कट करके मैंने कुकर में डाल दिया। देखिए बारीक कट करके सीटी लगा दी, ये गिलास पानी का डाला। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, मैं तो सीटी लगाती हूँ फिर तड़का लगाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे साग की याद नहीं आती है। जब बीमार होते हैं या कुछ होता है तब लगता है कि साग खाना चाहिए था, तभी याद आता है हरी सब्जी। तो अभी मेरा साग बन के तैयार है एकदम मस्त। देसी घी का एक चम्मच डालो ऊपर से, बहुत मज़ा आता है। तो मैं अभी शाम के टाइम उसको छोड़ने जा रही थी ट्यूशन में। क्वार्टर से थोड़े से दूर है ट्यूशन, इसका अंदर ही है, वहाँ लेके जा रही थी, साइकिल से जाता है। यहाँ पे बना रही थी मैं शाम की चाय इसके पापा के लिए बिना दूध वाली, और वो उनको वो गए थे लक्स को लाने के लिए ट्यूशन में, तो तब तक उनके आते मैं चाय बना देती हूँ। और ये मेरी चाय दूध वाली। तो यहाँ पे मैं आ गई रात का खाना बनाने के लिए। खाने पे बन रहा था गोभी की सब्ज़ी और रोटी। हम रात को मैक्सिमम टाइम रोटी ही खाते हैं, तो अच्छे से गोभी को साफ़ करके धो के यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। हम सूखी सूखी सब्ज़ी खाते हैं, पानी नहीं डालती मैं, सूखी सूखी अच्छी लगती है। आइए आप लोग भी खाना खाने, मैं खा लेती हूँ खाना। अच्छे से बर्तन क्लीन करके पूरा किचन को क्लीन करके सोती हूँ, तभी शांति मिलती है, तभी मन भी सुबह सुबह उठ के फ्रेश रहता है। नहीं तो ऐसे गंदा किचन देख के काम करने का मन भी नहीं करता। अच्छे से बर्तन पूरे वॉश करके सिंक को साफ़ करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।